मम्मी ने तो दिया सुबह सुबह हमें ये काम कि हमें छीलने हैं कि आलू, अगर व्रत रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, तो बस अब मैं अपने आलू छील लेती हूँ प्रॉपर, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। मैं बस अभी अपना हेड वॉश करके और शावर लेकर आई हूँ, बस बंश नहाने जा रहा है, उसके बाद हम करेंगे अपनी गाड़ी। ओ यार पता नहीं कैसे मेरे फोन के कवर के ऊपर पानी लग गया था। आज मैंने अपनी ये कुर्ती पहनी है बहुत दिनों के बाद, मुझे याद है शायद 8-9 महीने के बाद मैंने अपनी कुर्ती फिर से आज निकाल के पहनी, क्योंकि बीच में कुर्ती मेरे आना बंद हो गई थी। अब जब से मैंने ये जो थोड़ा सिलसिला शुरू किया ना, तब जाके ये कुर्ती मेरे आई है। आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि फाइनली कुर्ती मेरे की। और देखो मैं अपने घर की एक बहुत सुंदर बेडशीट दिखाती हूँ। ये बेडशीट मम्मी ने स्पेशली ली तो थी बिछाने के लिए, पर ये इतनी ज्यादा क्यूट लगती है ना, मिक्की माउस बन रहे हैं इस पे, कि मैंने और मंज ने इसको बिछाया ही नहीं, हमेशा से इसको हम उड़ते हैं। तो आज ये ही भी वॉश करके नहाई है ना, तो ये भी बाहर सूख रही है। अब चलते हैं अंदर पूजा करने, शायद वंश नहा लिया हो, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट वंश। और वंश ने देखो ये हमारी पुरानी फ्रिज है और इसके साथ क्या किया है, दिखा दो तुझे, दिखा दो। तो ये देखो वंश ने बना लिए इसकी शू रैक, और सब में अपने ही, वंश हम कहाँ रखेंगे अपने शूज, ये नीचे खाली, ये खाली है, वो ये खाली है, तो तू रख लेना इन सब में, मैं रख दूंगा, तुम रख अपना नीचे रख, मैं और मम्मी ऊपर रखेंगे, हम इतना झुकेंगे नहीं। हाँ। मैंने जो यहाँ पे प्लांट के लिए पॉट लगा रखा था ना, वो टूट गया, तो इस बार मैंने ये प्लास्टिक की बोतल लगा दी। और देखो मैंने ये जेड प्लांट भी लगा दिया वाटर में, क्योंकि मुझे ऐसा सूत्रों से पता चला था कि जेड प्लांट भी हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे मैंने माइक नहीं लगाया, अभी जाके लगाती हूँ, पार्सल अनबॉक्स कर लेती हूँ। अरे मेरी ज्वेलरी है, हट रोशनी आने दे, आई नीड पेन, नहीं वहां से पेन दे दे ना, पेन दे दे जब तक, इतनी देर में दे दे यार, इसी में सीधा चले जाए तो ना, पेन दिया ना सीधा दिया, सेफ्टी पेन दिया जो मिला उससे काम करो, जो है उसमें देख के कैसे काम करा, इसमें कोई मिल गया था, मेरी फेवरेट वाली आई है मम्मी, क्या तुमने मंगाई थी, नहीं मैंने चार मंगाई थी, एक गलत आ गई, एक ले आएंगे और अभी दो और आएंगे, मैं तो राजस्थान राजस्थान डालिए कहीं, हाँ मम्मी कह रही है पायल, और ये कह रहा है कमर, मम्मी देखो मम्मी देखो, बंद कर बंद कर अपना, मम्मी देखो, मम्मी मस्त है ना, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। और इसके साथ मांगटी का भी आया है, देखो अच्छा अच्छा ही लग रहा, अच्छा लग रहा है। जल्दी से पूजा करते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, और फिर फटाक से अपना लुक क्रिएट करते हैं। आज मैं वाला लहंगा पहनूंगी मम्मा, वो ब्राउन वाला लहंगा, को कहाँ जा रहे हैं, फोटो उठा के जाना, सो आई विल ऑर्डर माय थिंग्स ऑनलाइन, मैं शुरू करूंगा तेजा शर्मा, नहीं नहीं आती देंगे, मैं ऑनलाइन पे भी ऑर्डर करूंगी, आएंगे उतनी लेट में ना, ऑनलाइन नहीं है वो, डीलर्स वगैरह के थ्रू फिर कैंसिल नहीं होगा वो, नहीं नहीं हम मतलब आज करेंगे, चाहे आनी वैसे आज के दिन में कभी भी बदल आएंगे, वो सुबह आज तक कुछ कह नहीं सकते, इंसान के साथ जगह तो है नहीं, पहले एक जना करके उठ जाए तब मैं करूं, है ना, जल नहीं रही है, दो जोड़े चढ़ा दिए, चढ़ा दिए गिला मरका, अब पूजा खत्म कर ली है तो अब जल्दी से हम फलार कर लेते हैं। फलार में आज हमने सिर्फ बनाए आलूओं को फ्राई करके हरी मिर्च के साथ, और इसको हम खाएंगे, और साथ में है बनाना, ये फ्राई करके जो आलू छिलकते हैं ना, उतना अच्छा कुछ नहीं लगता दुनिया में, फ्राई करने में मसाला लगती है। खुशी हम स्कूल में हमें टाइम टेबल क्यों मिलता है पता नहीं, ये टाइम पे होता क्या है आज, पता मेरे पैर टूट गए।
शाम के बच चुके हैं 7:10 में, मैं 10 मिनट थोड़ा लेट हो गई हूँ आरती करने के लिए। चलिए अब चल के आरती करते हैं अपनी शाम की और करते हैं भगवान जी को थैंक यू। अरे यार मम्मी कल के लिए कंडा नहीं है ना, अब रात में कहाँ से लाएगा, अभी तो मेरा सामान लेने गया हुआ है, सुबह तो स्कूल चला जाएगा। हाँ अब हम खाना खाने जा रहे हैं फाइनली, और हम दीदी पीछे मुड़ कर ले पानी से ऐसे 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 करके ले रहा है दीदी, आप ही दीजिए। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, जा कहीं नहीं रहे हैं, घर पे ही खाना खा रहे हैं। खाने में आज हम खा रहे हैं यम्मी सी पकौड़ी और दही, क्या कहती हो कैसा लगेगा तुम्हें खा के? अच्छा लगेगा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है खा के? अब नहीं बोलेगी, अति सुंदर, खाने में भी अति सुंदर लगता है। नहीं झूठ बोल रहे हैं। अब बच चुके हैं क्या, मैं हमेशा पता नहीं क्यों टाइम जरूर बताती हूँ, मुझे पसंद है। अब बच चुके हैं 10:30, मैं एकदम फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए छत पे, क्योंकि मुझे 1 घंटे की वॉक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तो डे 1 था नवरात्रि का और इतनी ज्यादा पकौड़ियां खाई है ना कि अगर आज वॉक नहीं की तो पेट सच में फट जाएगा और वेट तो आसमान छू जाएगा मेरा, तो आसमान वेट ना छू, इसलिए मैं जा रही हूँ छत पे आसमान को छूने और अपना वेट कम करने। आज मैं हेड वॉश भी गया था, अब जाके मेरे बाल सूखे, मेरे बाल सच में काफी मोटे हैं तो इतनी जल्दी सूखते नहीं है। बैकग्राउंड में मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकती हूँ कि कुछ 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 बहुत अच्छा सा पक रहा है, उसको पकना कहेंगे या क्या कहेंगे आई डोंट नो। मैं चाहती नहीं हूँ कि थोड़ा भी आप लोगों को अभी से अंदाजा हो जाए कि मैं बैकग्राउंड में क्या पका रही हूँ, कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज है सबके लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, ठीक है? कहीं से भी कैसे भी मुझे ठंडा पानी मिल जाए तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये आइस, और जिसको मैं अपने बॉटल में पूरा का पूरा एज इट इज डाल लूंगी, जो बहुत ठंडा, क्योंकि आज ना हमने खाए खाने में पकौड़ी, तो शायद उस कूटू के आटे की पकौड़ी, तो मे बी उसकी वजह से मुझे बहुत ऐसे ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, आई डोंट नो। वैसे मैं ठंडा पानी पीती नहीं, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है जब तक मैंने ठंडा पानी नहीं पिया ना मेरी प्यास नहीं बुझेगी, टेबल खराब हो जाएगा, इसके बाद बर्फ डाल दी मैंने शेट। और शायद इस मौसम में तो ठंडा पानी पीने से कुछ तबीयत भी खराब हो सकती है, पर इस वक्त प्यास बुझाना इज मोर इम्पोर्टेंट। ये जो आइस है ना, ये हमारी नई वाली फ्रिज के साथ फ्री आई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें दिखाऊं कितनी सुंदर बर्फ निकलती है, ये मेरी अब तक की फेवरेट मोस्ट फेवरेट ट्रे है। अरे निकल आओ भाई, एकदम गोल, कितनी अच्छी लगती है ना। और यार मैं इतनी सारी बर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो पानी की बॉटल है ना वो मेरी बहुत बढ़िया है, तो उसमें ठंडक बनाए रहने के लिए ज़्यादा बर्फ की क्वांटिटी की ज़रूरत है। और यारी बर्फ कॉफ़ी में स्पेशली डाल के पियो ना तो बहुत अच्छी लगती है, रूह अफ़ज़ा, आई लव रूह अफ़ज़ा। आप लोगों को कैसा लगता है रूह अफ़ज़ा? यार बताया मैं इतने दिनों से अपने हर ब्लॉग में, हर मिनी ब्लॉग में, हर लॉन्ग ब्लॉग में एक ही दुखड़ा रो रही है, वो है मेरी नोज़, और मैं क्या करूँ जब ये ठीक ही नहीं हो रही है, डेली दुख जाती है। अब शरारत खत्म हुए हैं तो अब मम्मी बोल रही हैं कि जाके इसके लिए एक नोज़ पेन खरीदे, शायद लकड़ी है तो ज़्यादा तेज़ दुख जाती है, वो नोज़ पेन एकदम गोल वाली लगाऊंगी पास में रहेगी तो वो कम दुखेगी और सोना पहनने के बाद ठीक भी हो जाती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब इस आइस ट्रे को भर के भी रख के आना होगा, क्योंकि अगर हमें अगली बार आइस चाहिए, मुझे मम्मी के ताने नहीं आइस चाहिए, तो ये भर के रख के आनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यार पता है आइस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि घर में हमें आइस हमेशा भर के रखनी चाहिए, क्योंकि गलती से अगर कोई जल जाए और हमारे घर में आइस ही ना हो तो कितना बेकार लगता है ना। कितनी मस्त लग रही है, आई विल शो यू, देखो है ना बहुत सारी बर्फ है यार। अभी इसको शायद ठंडा होने में टाइम लगेगा और पानी भी क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा टाइम में ठंडा होगा। अमेजिंग, ठंडा पानी पी लिया, मन खुश हो चुका है यार। अभी तक मैं ना जब, क्योंकि माइक नहीं था तो मैं बहुत तेज बोलती थी, मुझे बहुत तेज बोलने की आदत थी, पर अब जब से माइक आ गया, जब मैं उस वॉइस को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत गला फाड़ के बोल रही हूँ, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा धीरे और आराम से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठंडा पानी पी लिया है, प्यास मेरी थैंक्स टू गॉड की बुझ चुकी है। आज डे 1 ऑफ नवरात्रि भी हमारा काफी अच्छे से बीता है। अब हम इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे कल फिर से एक नए वाले ब्लॉग के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हो तो उसको
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम हैंडल जस्ट यहाँ नीचे मैंने दे दिया है, तो उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। स्नैपचैट आईडी भी आपको मैंने यहाँ साइड में दे दी, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट यहाँ पे, तो आप दोनों को जाके फॉलो कर सकते हो फटाक से। और मेरे फूड ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा, और आप यहाँ भी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। हमारे साथ बने रहने के लिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं एक बहुत एक्सट्रीम नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, बस हार्डली 1 से 2 दिन में मैं रिवील कर दूंगी उसकी डेट वगैरह, बस थोड़ी सी फाइनल हो जाए, कुछ चीज़ें अभी अटक रही हैं वो फाइनल हो जाए। कुछ बहुत बड़ा एक सरप्राइज है मेरे लिए भी और आप सबके लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वो सरप्राइज देखने के लिए भी आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।